नमस्कार, आज तक एआई के स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत पाकिस्तान मुकाबले ने किस तरह होटल और फ्लाइट्स के रेट आसमान पर पहुंचा दिए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल हाल ही में जारी किया है। टूर्नामेंट का आगाज पहले से तय तारीख 5 अक्टूबर को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला भी 19 नवंबर को ही खेला जाएगा। नए शेड्यूल में भारत पाकिस्तान मैच समेत 9 मुकाबलों में बदलाव किए गए। अब भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला 15 की बजाय एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप शेड्यूल घोषित होते ही अहमदाबाद में इस मैच को लेकर तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। यहां फैंस ने होटल्स रूम पहले ही बुक करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि यहां महंगाई आसमान छूने लगी है। होटल्स रूम का किराया बेइंतहा बढ़ गया है। 5-स्टार होटल में एक दिन के लिए रूम का किराया 20,000 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। ये माहौल तब का है जब टिकट की बिक्री भी शुरू नहीं हुई है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप टिकट्स की भी घोषणा कर दी। इसके मुताबिक सबसे पहले टिकट्स के लिए फैंस को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद ही टिकट खरीद पाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से ही शुरू हो गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस भारत पाकिस्तान मुकाबले के कारण स्टार कैटेगरी के होटल में एडवांस बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। 3 से 5 स्टार कैटेगरी के होटल में एक दिन का किराया 20,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। प्रेसिडेंशियल सुइट में जो बुकिंग हुई है वह तकरीबन 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की कीमत पर हुई है, जिसकी बड़ी वजह माना जा रहा है क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर बेसब्री से हो रहा इंतजार। होटल एसोसिएशन का मानना है कि एक बार मैच के टिकट कंफर्म होने के बाद अहमदाबाद के 100 किलोमीटर आसपास तक के सारे छोटे बड़े होटल शेयरिंग फ्लैट्स भी बुक हो जाएंगे। इस मैच के टिकट अब तक बिकना शुरू नहीं हुए हैं, इससे पहले ही ये हाल है, तो जब टिकट कंफर्म होंगे तो उसके बाद बाकी जगह पर भी दाम बढ़ेंगे। इसका बड़ा कारण ये भी है कि स्टेडियम की क्षमता 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की है। लगभग 30-40 हजार लोग गुजरात के बाहर से आएंगे, जिसकी वजह से दाम आसमान छू रहे हैं। होटल के अलावा फ्लाइट्स की बात करें तो उन दिनों की हवाई यात्रा भी महंगी हो चुकी है। 13 से 15 अक्टूबर की मुंबई और दिल्ली से अहमदाबाद आने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स में दाम अभी से ही 10,000 से लेकर 25,000 तक पहुंच चुके हैं। ये दाम अभी और भी बढ़ने के आसार हैं। आम दिनों में ये किराया 2.5 से 5,000 तक होता है। ये हाल तब है जब मैच के टिकट्स की बिक्री शुरू भी नहीं हुई। टिकटों और रजिस्ट्रेशन के लिए फैंस आईसीसी की वेबसाइट cricketworldcup.com/register के अलावा ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर्स की वेबसाइट पर जाकर भी बुकिंग करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तहत नाम, पता, देश जैसी बेसिक जानकारी भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद फैंस को टिकट की बुकिंग के लिए 25 अगस्त तक का इंतजार करना होगा। वर्ल्ड कप 2023 के टिकटों की बिक्री 25 अगस्त से अलग अलग फेज में होगी। पहले दिन फैंस के पास सभी गैर भारतीय अभ्यास मैच और सभी गैर भारतीय वर्ल्ड कप मैचों के टिकट खरीदने का ऑप्शन होगा, यानी भारतीय टीम के मैचों को छोड़कर बाकी सभी मुकाबलों और वार्म अप मैचों के टिकट बुक कर सकेंगे। जबकि भारतीय टीम के मैचों और वार्म अप मुकाबलों के टिकट 30 अगस्त से 3 सितंबर तक उपलब्ध होंगे। अहमदाबाद में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के टिकट 3 सितंबर को मिलेंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट 15 सितंबर को खरीदे जा सकते हैं। टिकट बुक करने के बाद फैंस की स्टेडियम में एंट्री हार्ड कॉपी के जरिए होगी। इसके लिए वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी कर रहे शहरों में टिकट कलेक्शन काउंटर बनाए जाएंगे। आज तक एआई के स्पोर्ट्स बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें आज तक एआई। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।